आगे वहाँ पे देखो आप नज़ारा पूरा धुंधला ही है भाई, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कैमरा में कैप्चर हो रहा है कि नहीं, बट ऐसा नज़ारा मैंने बगदाद में पहले नहीं देखा। और यहाँ फिलहाल थोड़े बहुत मिलिट्री के लोग मिल गए थे, उनके साथ भी हम लोगों ने थोड़े बहुत पिक्चर्स खिंचाए और काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं यार। यहाँ पे लोकल नाइट लाइफ देखो भाई, यहाँ पे बगदाद में यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं सड़क के बीच में एकदम, मतलब चेयर लगा के शीशा फूंक रहे हैं सारे। वेलकम टू माई चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वांडरिंग मैनियक। राइट नाउ इन बगदाद गाइस, आज एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग डे होने वाला लग रहा है मेरे को, क्योंकि लास्ट के कुछ दो हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ कि बगदाद और इराक में सैंड स्टॉर्म आया हुआ है, और आज फर्स्ट डे है जब मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सैंड स्टॉर्म। यार मेरे आसपास का पूरा नज़ारा देखो आप लोग, यार पूरा धुंधला ही धुंधला है यार, मैंने लाइफ में कभी ऐसा कुछ नज़ारा नहीं देखा। यहाँ से एक्चुअली मैं थोड़े बहुत लोकल से मिलने जा रहा हूँ आज बगदाद में, और शायद मोस्ट प्रोबेबली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे, बट ये सैंड स्टॉर्म कुछ काफ़ी ज़्यादा लग रही है यार मेरे को। बाकी आगे वहाँ पे देखो आप नज़ारा पूरा धुंधला ही है भाई, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कैमरा में कैप्चर हो रहा है कि नहीं, बट ऐसा नज़ारा मैंने बगदाद में पहले नहीं देखा। और बाकी भाई हम यहाँ पे हर जगह धूल ही धूल देख रहे हो भाई, हर गाड़ी के ऊपर धूल जम चुका है, जैसे भाई ठंडियों में बर्फ़ जम जाती है गाड़ियों में, वैसे यहाँ पे हर जगह भाई धूल जम गया। ये देखो आप लोग भाई हर गाड़ी हर सड़क के ऊपर धूल ही धूल है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये गाड़ी देखो भाई, ये तो भाई पूरी पीली हो चुकी है गाड़ी धूल के ऊपर। देखा जाए तो गाइस मुझे पहले लग रहा था बगदाद यार सेफ नहीं होगा, बट सही बताऊँ तो मुझे बगदाद काफ़ी सेफ लग रहा है यार। आई थिंक मुझे ऐसी कोई फीलिंग भी नहीं आ रही कि शायद इराक में कोई सेफ्टी इश्यूज हो सकती है। और बाकी का भाई यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स भी यार इतने इतने स्वीट है यार, यहाँ के लोगों का तो यार क्या ही बताऊँ। कल रात को मैं ऐसे ही जा रहा था, मैं एक कैफ़े मेरे होटल से, और टैक्सी ड्राइवर ऐसे बोला कि मैं टूरिस्ट हूँ, उसने पैसे बोला कि मैं पैसे नहीं लूँगा। मैं बोला यार पागल है क्या यार, क्या कर रहे हो मतलब। तो फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती पैसे दिया कि यार ऐसे मत करो यार, मतलब हद है यार, वो टैक्सी वाला यार मेहनत करके पैसे कमा रहा है, मेहनत कर रहा है पैसों के लिए, और फिर वही ऐसे बंदे अगर बोले कि यार पैसे मत दो क्योंकि आप टूरिस्ट हो, तो यार ऐसे जब मोमेंट्स होते तो यार दिल को छू जाती है वो बात। ओके टेक दिस, शुक्रिया। तो ये था भाई यहाँ पे इराक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सोचा नहीं था कभी कि बगदाद में इतना ओपनली घूम पाऊँगा यार मैं। मस्त यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, लोकल से बात कर रहा हूँ, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यार ट्रैवल करने में, अभी ना ही वीडियो बनाने में ना ही ट्रैवल करने में। बट यहाँ पे फिलहाल मेरे आगे का नज़ारा देखो भाई, पूरा धुंधला धुंधला भाई। तो यहाँ पे फिलहाल लोकल टी स्टॉल में अभी तो यहाँ पे चाय ऐसे पीते हैं गाइस लोकल तो यहाँ पे भाई ऐसे यहाँ पे लोकल स्टॉल्स में चाय पीते हैं ऐसे हिंदी ओके हिंदी विच वन दिस वन ओके ये बोल रहे हैं ये इंडियन कार है ओके ओके हिंद ओके होंडा ही है कार, पता नहीं है शायद इंडिया से एक्सपोर्ट किया होगा इन्होंने, पता नहीं एग्जैक्टली। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल्स हैं और यहाँ पे लोकल टी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे लोकल टी स्टॉल में। यस ईरान दिस बाइक مال قفاز اوكي اوكي ما عليك سو ايش سمعه الشركه يعني احنا بنفوت خوش عالم بس هاي مال قفاز ما دفاني तमाम तो भाई यहाँ पे लोग क्या बात कर रहे हैं, अरबी बोल रहे हैं यहाँ पे, बट एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। बट एक्चुअली देखा जाए तो इराक में ये काली चाय होती है, मैंने इसके पहले दिखाया आपको, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा शुगर देते हैं यार लोग, कुछ अराउंड 3 से 4 चम्मच शुगर है इसमें और बहुत ज़्यादा शुगर ये लोग डालते हैं, बट इनकी इनकी जो चाय है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी काली होती है। गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग हैं एक काफ़ी लोकल प्लेस में, ये प्लेस का नाम है करादा, इनर करादा, राइट करादा, एंड राइट नाउ आई एम विद हिशाम। दिस गाइस हिशाम, आई जस्ट मेट हिम हियर वेरी रैंडमली, जस्ट टेक्स्टिंग हिम इंस्टाग्राम थ्रू वन ऑफ माय म्यूचुअल फ्रेंड, एंड ही सीम्स सो कूल गाय, एंड व्हाट आर द प्लान्स टुडे हिशाम, व्हाट वी आर गोना डू?
Okay, we're just going to a market, to a local market. Yeah. I think we're going to be in a cafe or something. Yeah, and yeah. I would like you to see some of the very local places here. I think you're gonna like them. अभी फिलहाल जैसे इन्होंने बोला कि आज हम local market explore करने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये local dish है, इनका काफी popular dish है. इसको मैंने शायद इसके पहले दिखाया था आपको first video में, I think yes. इसको कहते हैं मसगूफ, और ये जो होता है ये ग्रिल फिश है. ये फिश एक्चुअली इसको ग्रिल करते हैं, तो ये तरीका होता है भाई इसको ग्रिल करने का. और इसको भाई काफ़ी टाइम लगता है, कुछ अराउंड 2 से 1.5 घंटा लग जाता है इनको कुक करने में. तो भाई आज यहाँ पे ना एक अलग सा फिल्टर लगा हुआ है. अगर आज बगदाद देखोगे आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि भाई नेचुरल सा फिल्टर है एक, और फिल्टर के थ्रू से आप देख रहे हो, फिल्टर के थ्रू आप देख रहे हो, क्योंकि आज जैसे बताया वह सैंडस्टॉर्म आया हुआ है और पूरा येलो येलो माहौल है भाई यहाँ पे. He sells tea? Yeah, it's beer chai, no? Okay. How many cups of tea did he sell today? Can you ask? كم كلاص اليوم بعد؟ بس عندي ضايع الدافع. Only 3. Yeah. Okay. But he has just started working. यहाँ पे भाई छोटा सा बच्चा curiously आ गया, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फॉरेनर इराक में क्या कर रहा है. शुक्रान. I am Munir. Sorry? I am Munir. Munir? Hey. She knows English? A little bit. Okay. I think he only knows this phrase. study hard, okay? See one, it's something curious for them. Yeah. Guys, भाई सही बता रहा हूँ, इराक में इतने बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना. तो एक्चुअली अभी फ़िलहाल एक काफ़ी तो यहाँ पे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉस्क में आए हम लोग बगदाद में, और यहाँ पे हर जगह जहाँ पर भी जा रहे हैं लोकल्स, बस हमको मेरे को बस यही पूछ रहे हैं कि आप कौन से कंट्री से हो आप. मतलब सारे लोग इतने क्यूरियस है, क्योंकि यहाँ पर यूजली यहाँ पर लोगों को टूरिस्ट देखना उतना यूजल नहीं है. Mosque, but it's the shrine to Abu Hanifa Nu'man. Okay. Abu Hanifa Nu'man is one of the greatest imams of Islam. Guys, तो अभी फिलहाल यहाँ पे फिलहाल एक mosque गए थे, काफ़ी old mosque था ऐसे मैंने दिखाया आपको इसके पहले, और यहाँ पे लोग इतने friendly है यार. एक्चुअली क्या है, इराक में लोग used to नहीं है tourist को देखते हुए देखने के लिए, तो यहाँ पे जब भी कोई नया tourist आता है कैमरा के लिए, कैमरा के साथ specifically, तो इतना friendly वे में लोग यहाँ पे treat करते हैं. और यहाँ पे फिलहाल थोड़े बहुत military के लोग मिल गए थे, उनके साथ भी हम लोगों ने थोड़े बहुत पिक्चर्स खिंचाए, और काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं यार. सिटिंग हियर यहाँ पे लोकल कबाब, अगर इराक में हो तो और कबाब नहीं खाया, तो ये लोग कहते हैं कि अगर इराक आए और कबाब नहीं खाए तो क्या खा इराक आए. यहाँ का कबाब काफ़ी पॉपुलर है, सिमिलर टू अफगानिस्तान बोलूँगा. तो इराक में ऐसे नान होते हैं गाइस जिसको ये लोग खाते हैं. गाइस अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग ने खाना खाया जैसे आप लोगों ने देखा अभी, और अभी यहाँ पे उसके बाद एक स्वीट शॉप पे आए हम लोग, और यहाँ पे इराक में इनके बकलावा काफ़ी फेमस है. तो यहाँ पे एक काफ़ी लोकल स्वीट शॉप में आए, यहाँ पे बकलावा ट्राई करने वाले हम लोग. तो द थिंग इज़ वाओ इट्स सो गुड. इसमें मुझे काफ़ी हद तक घी की टेस्ट आ रही है, और समथिंग जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक अगर आप लोगों ने इसके पहले बेस्ट बकलावा कहीं ट्राई किया तो ज़रूर मैं कमेंट सेक्शन में लिखना. गाइस तो यहाँ पे अभी खाना खाने का यहाँ पे बकलावा ट्राई करा हम लोगों ने, और काफ़ी स्वीट लोग थे यार सही बताऊँ तो. हम वहाँ पे बकलावा ट्राई करने के बाद मैं जब उनको पे कर रहा था, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए मेरे से, और बोला कि आप गेस्ट हो यहाँ पे तो हम गेस्ट से पैसे नहीं लेते. और ये अगर आप इराक आ रहे हो तो इस चीज़ से आप यूज़फुल हो जाओ, क्योंकि आपको कोई यहाँ पे करने नहीं देगा. ये पहले दिन से हो रहा है मेरे से, और कभी कभार थोड़ा अजीब सा भी लगता है यार, क्या यार बार बार पे कर रहे हैं, बट दैट्स हाउ यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी है, जो आप अगर इराक में आओगे तो ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे. 5 years ago, we still had terrorism. There was a war against ISIS or Daesh, as we call them. So yeah, Iraq now is much safer. I mean, nowadays I see so many tourists walking in the streets of Baghdad. That wasn't really common 5 years ago, you see. तो मैं मेरे फ्रेंड हिशाम को बस नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहा था कि अभी और 5 साल पहले के इराक में क्या फ़र्क है,
तो ये कह रहे हैं कि अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर बोलेंगे ज़िंदगी यहाँ पे, क्योंकि पहले काफ़ी सारे अटैक्स हुआ करते थे, टेररिस्ट अटैक्स वगैरह। और अस्सलाम वालेकुम, कह रहे हैं कि अभी काफ़ी सारा ये जो जितने भी चीज़ें हुआ करती थी पहले वो भी काफ़ी कम हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सेफ हो चुका है इराक। कुछ What they're doing? No, they're just they're joking with me. Joking with you, yes. They saw you making a video, so they sabotaged the video. इसलिए मेरे को ये पूछो इसके बारे में, तो मैं personally ये feel करता हूँ कि काफी ज़्यादा safe लगा यार मेरे को। So yeah, after the picture, dekha. This was wedding, bro. Sorry. Wedding? Yeah, it's a wedding. So that's how people celebrate wedding here. Not exactly. This is we call zephyr. Okay. Zephyr, it's practically the process of transporting the bride from her family's house to her husband's house. Yeah. Now we have a checkpoint again. Wow, I wanted to see that. पीछे भाई कोई बारात जा रही थी शायद शादी की, और देखा आप लोग ने माहौल यहाँ पे यार। भाई यहाँ पे लोकल नाइट लाइफ देखो भाई, यहाँ पे बगदाद में यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं सड़क के बीच में एकदम, मतलब चेयर लगा के। आई थिंक ये अलाउड होगा शायद शॉप के रूल्स के हिसाब से। यहाँ पे एक्चुअली गाड़ियाँ भी चल रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सारे मस्त चेयर में बैठे हुए हैं, शीशा फूंक रहे हैं सारे। शीशा का अलग ही लेवल है कल्चर है यार यहाँ पे, हर जगह शीशा के क्लब्स या फिर ऐसे जगह तो मिल जाएंगे जहाँ पे आप शीशा कर सकते हो, पूरा एरिया देख सकते हो यहाँ पे आप लोग। और यहाँ पे ये कार जो आप लोगों ने ईरान की वीडियोस में भी देखा होगा, काफ़ी सिमिलर है। कह रहे थे कि कह रहे यहाँ के लोग कहते हैं कि ईरान से एक्सपोर्ट करके लाते हैं यहाँ पे ये वाले कार। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई एम फाइनली बैक टू माय होटल। तो काफ़ी मज़ा आया यार आज, टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी सारी चीज़ें करें, काफ़ी सारे मॉस्क विजिट करें हम लोग ने आज। एक्चुअली आखिरी में मैंने और एक मॉस्क भी विजिट किया, जो शायद आई थिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलीजियस स्पेस था, एंड आई थिंक वहाँ पर उन्होंने मेरे को कैमरा लेके जाने नहीं दिया, एंड आई थिंक आई कुडंट शूट दैट वीडियो। बट मैं वो वाले श्राइन जो श्राइन है उसका मैं इमेज लगा दूंगा, तो शायद आप समझ जाओगे मैं कौन सी वाले श्राइन का बात कर रहा हूँ। आई थिंक बगदाद में सबसे पॉपुलर श्राइन है वो, एंड काफ़ी सिक्योरिटी थी, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी, और मोबाइल कैमराज कुछ भी अलाउड नहीं थे। तो आई थिंक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस था इसको। यार यहाँ के पुलिस भी कितने इंटरेस्टिंग है यार, मस्त। मतलब अगर आप उनको पूछो फोटो लेना है तो उनके लिए काफ़ी नई चीज़ है, क्योंकि उन्होंने टू बी ऑनेस्ट टूरिस्ट को देखना इनके लिए काफ़ी नया है। आई थिंक 2 साल पहले ही शायद इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा इशू करना शुरू किया था, उसके पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था इराक में, और अभी इराक में लाइफ बैक टू नॉर्मल हो ही है गाइस। तो ऑल्सो वन मोर चीज़, आप मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज़ जाकर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो, क्योंकि मैं वहाँ पे फेसबुक में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहा हूँ अभी, और कुछ ऐसे चीज़ें जो यूट्यूब में तो आप देखते ही हो, वो तो वहाँ पे अपलोड हो ही रही हैं, बट ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ जो काफ़ी एक्सक्लूसिव है, और जो चीज़ आप यूट्यूब में नहीं देख पा रहे, कुछ चीज़ें जो मैं यूट्यूब में नहीं डालता वो मैं फेसबुक में डाल रहा हूँ। आई थिंक लेट्स ट्राई इन फेसबुक, क्योंकि यार सही बताऊँ तो यूट्यूब से मेरा काम नहीं बन रहा यार, सही बताऊँ तो। और जो लोग बोलते हैं यार यूट्यूब से काफ़ी पैसा कमाया जाता है, नहीं यार सब झूठ है, जो असली क्रिएटर है उसको पता है कितना पैसा हम कमा रहे हैं और कितना मुश्किल होता है इनिशियल डेज में यूट्यूब करना। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना तो व्यूज़ कि आपको कैसा लगा। एनीवेज खुश रहिए, अपने आसपास के लोग खुश करिए, एंड आई विल बी नेक्स्ट वीडियो।